हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं बत्तख का अंडा लेने गांव में। चलिए देखते हैं कहां पे हम लोग को बत्तख का अंडा मिलता है। आपको हम लोग पूरा वीडियो दिखाएंगे कैसे मिलता है, कहां मिलता है, कितना टाइम लगता है। जाता है वो है मुगल सराय, जाता है मुगल सराय, ये लेफ्ट वाला है, और ये चकिया की तरफ जाता है, ये है चकिया का रास्ता। अब इसके बाजार में हम लोग को बत्तख के अंडे मिलने चाहिए जहाँ तक हम लोग को मालूम है। बंद है, अच्छा कितना चाहिए? दो पत्ता चाहिए था। दो पत्ता लगेगा। हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, 4 बजे आए।
तो दोस्तों उनके यहाँ तो हम लोग पूछे तो उनके यहाँ तो अंडा नहीं मिला। अब यहाँ पे हम लोग आगे आए, यहाँ पे दो तीन अंडे का दुकान है, देखिए वहाँ पे पापा पूछने गए हैं, तो वहाँ पे पूछते हैं अंडे का, बत्तख का अंडे का, इनके यहाँ पूछते रहो कि चलते नहीं मिला उनके, अभी नहीं मिला। चलिए इनके यहाँ पूछते हैं, बत्तख का अंडा है? अंडा नहीं, नहीं नहीं। चलो आगे चलते हैं और पूछते हैं किसी और से, क्या पूछते हैं आप? बत्तख का अंडा तो नहीं, उनके यहाँ भी नहीं मिला। आगे चल रहे हैं हम लोग और पूछते हैं किसी और से। दोस्तों यहाँ पे इतने सारे बत्तख हैं, चलिए पूछते हैं अंडा मिलेगा। ये बत्तख किसका है? अंडा मिल जाएगा? नहीं अंडा नहीं मिलेगा बाबू। नहीं कहाँ मिलेगा अंडा? नहीं मिलेगा किसी के नाम। एक जो दुकान आगे है चौराहा, नहीं बोले तो दुकान आगे है चौराहा पे, उस पे मिलेगा, नहीं तो फिर कहीं नहीं मिल पाएगा। चलिए यहाँ पे भी बत्तख, इनसे भी पूछते हैं बत्तख का अंडा मिलेगा कि नहीं। रास्ता थोड़ा नीचे जाके, बट पूछते हैं क्या पता मिल ही जाए क्या। ये सामने इतने सारे बत्तख, मुर्गी भी है देसी वाली। अरे अंकल, बत्तख का अंडा मिल जाएगा? बत्तख का अंडा मिल जाएगा? बत्तख का अंडा मिल जाएगा? मुर्गी का अंडा है बत्तख का? कौन सा वो लगर पूछते हैं। इधर पूछने को बोले, कोई तो है नहीं इधर, बोल रहे बत्तख का अंडा, वो लोग बोल रहे नहीं मिल पाएगा अभी। नहीं है, अबे अंडा ना होता का? कैसे देवा पत्ता तरह ले हुआ देव दे? 8-9 का पत्ता दे पलाई से नहीं दिया है। खाने के लिए आए के तब दूध फूट गया। नौ फूट हाँ? भूसा में? हमारा प्लास्टिक वाला भूसा? डेढ़ दूर ही गया था। मोबाइल से पैसा ले लेवा ना? मोबाइल से पैसा ले लेवा? मोबाइल में पैसा वहाँ ना ले। अरे 12-13 भैया अंडा तो पैसा ना ना ले आल है, मोबाइल से पैसा देवे के। मोबाइल से पैसा मोबाइल वाला ले, मोबाइल से नहीं हो पाएगा।
पार्ट बोली क्योंकि तंगरा को मोबिलिया में तब मिले भी तंगरा दे दिया नौ तक तो ये देखिए इतने सारे बत्तख हैं पे इनके यहाँ बत्तख का अंडा तो है बट ऑनलाइन पेमेंट का कोई है नहीं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं है लोग, तो कैश लाए नहीं है, शायद कुछ जुगाड़ बैठ रहा है। क्या हो रहा है? नहीं है दुकान वाले। अच्छा हम लोग कोई दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पे अगर वो कैश दे दे हम लोग ऑनलाइन करें तो इनके यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को बत्तख का अंडा। देखते हैं कोई ले ले तो देखिए, तब ना पेमेंट ऑनलाइन पेटीएम वाला आपसे डाल देंगे कैसे देंगे थोड़ा 300 ठीक है। तो अभी हम लोग का कैश का जुगाड़ हो चुका है, कैश हम लोग को मिल चुका है, उनको जो है पेटीएम की और ये हम लोग कैश दे चुके हैं। अंडा वाला कोई दुकान वो अंडा कम होता का ये अंडा है अंडा भी ना रही अंडा देवे लगे तो पूरा 100-200 ये कम बिना मिले अच्छा ये व्यक्ति रे एक पल्ला इटिक देता सुबह उनके पल्ले भी 8-10 अंडा हो जब बोलत रही ना हमारा डाल ना और क्या ना पता थी जब बोलत रही ना अच्छा ठीक पता पा लेती लेके आवा अंडा दिखाओ जी आप। अभी एक और जगह जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे भी उनके पास भी शायद अंडा मिल सकता है। देखते हैं इनके पास है बत्तख का अंडा। ये देखिए बत्तख का अंडा हम लोग के पास आ गया है। कितना है रेट इसमें? 10 अंडा है। 10 अंडा अभी और गए हम लोग सर्च करके लाने के लिए। अच्छा गए खोजने, बोले जितना मिलेगा हम लेके आएंगे। अच्छा 10 मिनट लगेगा। अभी कितना और मिल जाएगा उनके? बोले हैं कि 20-25 तो मिल ही जाएगा। देखा जाए देखते हैं। यहाँ पे बहुत बत्तख है, हर घर में बत्तख है। पानी ले हम लोग का अंडा आ गया। कितना अंडा है अभी इसमें? देखो 25 26 है। 26 सो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अंडा लेके आ चुके हैं।
यहाँ पे अभी अंडा साफ करके उसको रख रहे हैं यहाँ पे, देखिए साफ कर रहे हैं ठीक से, और फिर उसको इधर रख दे रहे हैं। पूरा 47 एग्स है हम लोग के पास, देसी मुर्गी और बत्तख का मिला के। ये देखिए ये वाला, देखिए ये देखिए ये मुर्गी का है, देसी मुर्गी। ये बत्तख का है। कौन सा? ये वाला बत्तख का है। अच्छा, ये बड़ा है। ये देखिए बड़ा है साइज में, ये मुर्गी का है, ये वाला बत्तख का है। ये मुर्गी का है, हाँ ये हाँ, साइज में डिफरेंस है। बत्तख का अंडा कितना बड़ा बड़ा है। इसमें से एक अंडा यहाँ पे देखिए ये फूट भी गया है, तो उसको अभी हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक आ गया, रुकिए फोकस। ये देखिए यहाँ पे क्रैक आया थोड़ा सा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग उस अंडे का जो है ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। पहले जो है सब्जी, वो प्याज टमाटर काट के अंडे में डालेंगे, अभी फेटेंगे पहले उसको। बत्तख का अंडा देखिए कितना पीला है ये, इसका अलग ही पीलापन होता है बत्तख का अंडे का। ये ज्यादा पीला रहता है बत्तख का अंडा, देख लो कैसा है। अब एक कटेगा प्याज, छोटे छोटे महीन प्याज, प्याज को पहले काटेंगे छोटा छोटा। प्याज के इसमें प्याज टमाटर मिर्चा डालेंगे ना, आधा टमाटर डालेंगे इसमें। आधा टमाटर, आधा टमाटर क्या कितना कलरफुल लग रहा है। एक कटेगा इसमें, एक मिर्चा कटेगा, एक हरा मिर्चा। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, नमक चढ़ाना होगा हम लोग ये दवा। दवा गैस पे थोड़ा सा तेल, और ये सरसों का तेल, जब भी अंडा बनाइए सरसों का तेल बनाइए, ज्यादा स्वाद आता है। सरसों के तेल में स्वाद अच्छा आता है और हेल्दी भी होता है।
ये जो अंडा है इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए इसका पीलापन जो है, अलग ही पीलापन होता है इसमें, ज़्यादा ही पीला होता है ये, और एकदम ऑर्गेनिक है। तेल गर्म हो गया, अब अंडा जाएगा। ये जा रहा है इसमें अंडा। अपने को तैयार हो गया। दो मिनट जैसे पक जाएगा तो फिर उधर से पकाया जाएगा। एक तरफ का हो गया और हम दूसरे तरफ को पलटेंगे। एक तो एकदम गोल्डन हो गया है ये, होने पर लगभग लगभग दो मिनट में रेडी हो जाएंगे। एक बार फिर पलटेंगे। दोनों तरफ से रेडी हो गया है एकदम, उसको निकालेंगे हम लोग प्लेट पर। रेडी है, उसको काट देंगे हम लोग चार हिस्से में। हम लोग चार लोग हैं तो ये चार हिस्सा हो गया, ये हो गया रेडी। लगाएंगे चाट मसाला और खाएंगे प्याज के साथ। टेस्टी लग रहा है, यम्मी यम्मी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का इतना टेस्टी ऑमलेट बन चुका है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और एक सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अकेले एंजॉय करोगे कि चार लोग का हिस्सा है इसमें? एक तो मम्मा का है, एक तो भाई का है, तो तुम्हारा एक मेरा।